नमस्कार दोस्तों, आई एम संग्राम सिंह, एसएस मैथमेटिक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से प्रॉफिट लॉस पर स्टडी करेंगे। प्रॉफिट लॉस की टू टाइप्स मैं आपको करवा चुका हूं, आज हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम प्रॉफिट लॉस के। देखो अगली टाइप है, टाइप थर्ड है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए लागत मूल्य होती है वो क्रय मूल्य होता है। देखिए हम पहले दुकानदार से हम पहले खरीद कर लाते हैं वो लागत मूल्य होती है, फिर हम उसको बेचते हैं तो वो होता है विक्रय मूल्य। देखिए दोस्तों हम दो ट्रिक से कर सकते हो, सेम ट्रिक है लेकिन इसमें अलग अलग थोड़ा सा तरीका। देखिए 15 सीपी, देखिए लागत मूल्य हम क्या लिख रहे हैं, क्रय मूल्य लिख रहे हैं। देखिए का के कि ये इसमें आ रहा है 15 मेजों की लागत मूल्य मैंने की आ रही है तो गुणा का मतलब है। तो 15 सीपी बराबर 20 SP, विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, SP हो गया। देखिए सीपी और SP, देखिए सीपी, देखिए SP को हम सीपी के नीचे लेके आते हैं, डिवाइड आएगा, डिवाइड आएगा तो इधर तो 20 बच गया और इधर देखिए 15 है, सीपी की तरफ से अगर इस साइड जाएगा तो ये भाग में जाएगा तो 20 बटे में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब देखिए इसमें 20 जिसके सामने, देखिए जिसके सामने जो मान है वही उसका मान है, तो सीपी का मान 20 हो गया, SP का मान 15 हो गया। देखिए इसमें क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो देखिए हानि हो गई, हानि देखो कितने की हो गई, 20 में 15 गए तो 5, तो अब हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। देखिए 5, हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य होते हैं तो क्रय मूल्य भाग में आएगा। देखिए 5 हानि है बटे में क्रय मूल्य देखिए कितना है, 20 है, गुणा में क्या जाएगा 100, तो देखिए हम कैंसिल करेंगे 20 5 100, पापा 25, तो कितने परसेंट की हानि आ गई, 25% की हानि आ गई। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए लाभ होता है उसको गेन भी कह सकते हैं और प्रॉफिट भी कह सकते हैं। देखिए वही है 18 सीपी इक्वल 15 SP, तो देखिए सीपी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा और SP कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस साइड का इधर मान और इस साइड का इधर मान कर देंगे। देखिए अब वही बात है, 15 सीपी है, 18 SP है, तो देखिए हानि है लाभ, देखिए लाभ हो रहा है 3 रुपए का, 3 का लाभ हो रहा है तो लाभ बटे क्रय मूल्य आएगा। देखिए लाभ हानि होती है वो क्रय मूल्य पे होती है तो क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य कितना है 15 है तो 3/15 × 100, तो 3 × 5 = 15। अब देखिए नीचे 5 आ गया, 5 को 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए 5 को करेंगे तो 20, 25 से क्या होता है 100 होता है, तो 20% क्या आ गया, गेन आ गया या प्रॉफिट आ गया। देखिए सेकंड से करते हैं तो वही है 18 CP = 15 SP, तो SP को CP के नीचे लेके जाएंगे तो देखिए CP/SP इस साइड क्या है 15 है और ये 18 इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 15/18, जिसके सामने जो मान है वही उसका मान है, तो सीपी का 15 मान है और SP का 18 मान है। देखिए SP ज्यादा है, 18 है तो प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करेंगे तो प्रॉफिट 3 का है। प्रॉफिट और लॉस होता है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है 15 है तो 3/15 × 100, 3/5 = 15, अब 5 करेंगे तो 25 से क्या होता है 100, तो 20% क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया या गेन आ गया। दोस्तों अब आगे हम चौथी टाइप करते हैं, इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि
कि जिसको भी ट्रिक समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन फाइव, इसमें देखिए एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। तो देखिए लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। देखिए अनुपात में जो आता है उसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा भी होता है। तो देखिए लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक ही होता है। तो देखिए सीपी अपॉन हम क्या लिख सकते हैं इसको, एसपी, और इसका अनुपात क्या दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है, 20:21। तो 20/21 आ जाएगा, सीपी का मान हो जाएगा 20, एसपी का मान हो जाएगा 21। देखिए एसपी ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो एक के बटे में क्या आएगा, सीपी। देखिए लाभ और हानि क्या होता है, क्रय मूल्य होते हैं, तो सीपी आएगा, सीपी कितना है, 20 है, और मल्टीप्लाई 100, तो 25 से कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 5% प्रॉफिट परसेंट आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप 2 सेकंड में हल कर सकते हो, ऐसी ट्रिक है ये, आप आराम से हल कर सकते हो, बहुत अच्छी ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको ये। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें संतरों का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। देखिए वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए सीपी अपॉन एसपी लिख सकते हैं इसको, इक्वल में क्या है, देखिए 5:6 है, उसको क्या लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, तो 5/ क्या लिख सकते हैं इसको, 6। तो सीपी आ जाएगा, देखिए जिसके सामने जो मान है वही उसका मान है, तो सीपी का मान हो जाएगा 5, एसपी का मान हो जाएगा 6। देखिए एसपी इसमें फिर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1/ में क्या आएगा, सीपी आएगा, सीपी कितना है, 5 है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, कि परसेंट में याद करें तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 100 आएगा, तो 5/20 होता है, तो 20% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको आज 2 टाइप फिर से करवाई है, जिसके समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। देखिए दोस्तों आगे आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, आप आंसर 2 सेकंड या 3 सेकंड तक आराम से निकाल सकते हो, आपको बहुत ही धांसू ट्रिक बताऊंगा। धन्यवाद, और कल करेंगे।